आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। द वर्ल्ड इज लुकिंग एट योगा एज ए पावरफुल एजेंट ऑफ ग्लोबल गुड। योगा हेल्प्स अस लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट बैगेज ऑफ द पास्ट। इट कनेक्ट्स अस विद आवर सेल्फ एंड अवर डीपेस्ट फीलिंग्स। इट ब्रिंग्स अबाउट वननेस ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सॉल। योगा हेल्प्स अस रियलाइज दैट अवर वेलफेयर इज रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। व्हेन वी आर पीसफुल विद हिम, वी कैन ऑल्सो मेक ए पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड। साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन मैंने कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में
जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद ऐसे जो योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के ही जाऊंगा। बारिश के कारण हमें इस खंड में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योगा कार्यक्रम में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है, और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, पूरे विश्व के योग प्रेमियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।